हिमाचल प्रदेश का खौफनाक मंजर, याद करें तो रूह कांप उठती है। भारी बारिश के कारण तीन दिन में ही करीब 4,000 करोड़ की सरकारी व निजी संपत्ति तबाह हो गई है। कहीं बाढ़ तो कहीं भूस्खलन, हर जगह तबाही मची है और इस तबाही ने 9 साल पहले हुए केदारनाथ के मंजर को याद करवा दिया है। लोग डूब रहे थे, मकान बह रहे थे, नेशनल हाईवे पर बड़े बड़े पत्थर गाड़ियों पर गिर रहे थे, जिससे लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। अब तक करीब 20 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। नदी नाले उफान पर है, जगह जगह लैंडस्लाइड से लगभग 1321 सड़कें बंद पड़ी है। इस भारी बरसात में भी करीब 800 पेयजल परियोजनाएं और लगभग 4700 ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं। यही नहीं, सड़कों के साथ साथ रेलवे ट्रैक भी बंद पड़े हैं, जिसके कारण लोग पैदल ही अपने गंतव्य को निकल पड़े हैं। 25 से ज्यादा पुल पानी में समा गए हैं, इससे परिवहन व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। शिमला धर्मशाला हाईवे पर घंगल में बैली ब्रिज भी लैंडस्लाइड से क्षतिग्रस्त हो चुका है। इसके बाद ब्रिज पर ट्रैफिक को रोक दिया गया। ये सड़क हिमाचल के 10 जिलों को राजधानी शिमला से जोड़ती है। इसके बंद होने से लोअर हिमाचल का शिमला से संपर्क कट गया है। और कुदरत का कहर यही नहीं रुका। चंबा जिले में आधी रात को 1:30 बजे के करीब भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.8 मापी गई है। भूकंप के झटके जमीन के भीतर 5 किलोमीटर की गहराई तक महसूस किए गए। हालांकि कुछ नुकसान नहीं हुआ। पिछले 24 घंटे में हुए नुकसान की बात करें तो मनाली में 3 वॉल्वो बसों के साथ 4 लोग बह चुके हैं। चंडीगढ़ मनाली हाईवे 2 दिन से जगह जगह बंद पड़ा है। कालका शिमला फोरलेन भी बार बार लैंडस्लाइड से बंद हो रहा है। कुमारसैन में एक मकान ढहने से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल ने 10 जिलों को राजधानी से कनेक्ट करने वाला गंगल वैली ब्रिज भी क्षतिग्रस्त हो चुका है। हिमाचल में अभी तक रेस्क्यू अभियान जारी है। पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर भी भेजा जा रहा है। खाने पीने की व्यवस्था भी की जा रही है और ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में इंसानियत ही है जो सबका साथ दे सकती है। आप सभी से अनुरोध रहेगा कि अनावश्यक यात्रा से बचें, घरों पर सुरक्षित रहें। सरकार द्वारा हर संभव मदद की जा रही है। प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी किया जा रहा है। सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं। जरूरत होने पर आप इन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। इस मुश्किल समय पर एक दूसरे का सहयोग करें और उम्मीद है कि हिमाचल एक बार फिर से स्वस्थ होगा।